सुंदरनगर में नेशनल हाईवे पर बाइक पर सवार एक युवक एकाएक बाइक से नियंत्रण खो बैठा और युवक की बाइक पेड़ से जा टकराई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के शव को नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर में लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन तेज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय कमलेश ठाकुर पुत्र शिवराम निवासी गांगण तहसील सुंदरनगर जिला मंडी का रहने वाला था और वे सुबह सुंदरनगर की ओर बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि तहसीलदार आवास के बाहर बाइक बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक सुंदरनगर कॉलेज में बीएससी मेडिकल का छात्र था और सुंदरनगर में ही क्वार्टर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने पीड़ित परिवार को सांत्वना व्यक्त की और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं पंचायत समिति अध्यक्ष सोहनलाल ने मृतक युवक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस घटना के बाद मृतक युवक के सहपाठी मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। प्रशासन की ओर से मृतक युवक के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर 10,000 की राशि प्रदान की गई। ग्राम पंचायत प्रधान टिहरी के प्रधान बेस्तुराम ने बताया कि क्षेत्र में एकाएक नौजवान युवक की मौत हो जाने से जनता पूरी तरह स्तब्ध है। उन्होंने बताया कि यह युवक काफी होनहार था और हर गतिविधि में आगे था, लेकिन असमय ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया है। तो श्री शिवराम गांव गाहणो और सड़क गाहणो, ये लड़का स्कूल में पढ़ता था कॉलेज में, अचानक इसकी जो मृत्यु है जो अपने नीचे यहाँ चौक से नीचे जहाँ स्कूल के पास कोई आगे पशु जो आपस में लड़ रहे थे उनकी वजह उनसे बात कराने की वजह से पेड़ से टकरा ही पाएगा और वहाँ किसी लड़के की मृत्यु हो गई। इसके पिताजी मेहनत मजदूर करते हैं। और भाई बहन कितने हैं? ये इसके एक भाई है और इससे बड़ा है जो। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है जी? बीपीएल परिवार से, आईआरडीपी से? नहीं, आईआरडीपी से। इसके दादा जी आईआरडीपी परिवार से।